हाय, तो हम अब रीजनिंग का एक टॉपिक लेने वाले हैं, एनालॉगी। एनालॉगी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। हर एग्जाम में एनालॉगी से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो एनालॉगी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। वो सिर्फ एनालॉगी में ही नहीं, जितना भी रीजनिंग है उसमें और जितना भी मैथमेटिक्स है उसमें आपको हमेशा काम आने वाली है। तो आप सबसे पहले 1 से 30 तक, 1 से 30 तक स्क्वेयर्स याद करेंगे और 1 से 20 तक क्यूब्स याद करेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है, एक बार या दो बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और काफी इनमें से आपको याद होंगे भी। तो ये हेल्प करेगा आपका मैथमेटिक्स में भी और रीजनिंग में भी। एनालॉगी में इसका रोल बहुत बढ़ जाता है, स्क्वायर्स और क्यूब्स का। वो देखेंगे अभी जब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा एनालॉगी के कि हाँ कैसे इसका रोल बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहली चीज आप ये याद करेंगे। दूसरा, आपको जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, उनके नंबर्स याद होने चाहिए कि वो कौन से नंबर पे आते हैं सीक्वेंस में। उनको याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये मेरे पहले 13 हैं। इसके बाद एक बार उल्टा लिखना जरूर करो। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्यों बोल रहा हूं उल्टा लिखना, देखिए अभी आपको पता लग जाएगा। अगर मैं नंबर लिखना शुरू करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब इससे आपको एक फायदा और होगा। फायदा क्या होगा कि आपको इस तरीके से ये नंबर तो याद हो जाएंगे, कई बार उल्टा भी आपको पूछ लिया जाता है या फिर यूज हो जाएगा कि आपकी टी की पोजीशन पीछे से क्या है। देखिए, टी की पोजीशन आगे से तो 20 है, पीछे से क्या होगी, ऑपोजिट वाली 7। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको याद रखना ऐसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब इनको याद कैसे रखते हैं, डिजिट्स को कैसे याद रखते हैं, उसका एक तरीका होता है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं याद रखने के लिए। एक तरीका होता है इज्योति का, ये आप याद रखिए, ई जे ओ टी वाई। इनकी पोजीशन होती है 5, 10, 15, 20, 25, हर 5-5 छोड़ के। ऐसे याद करने से फायदा क्या होगा, अब मुझे पता है कि ई थोड़ी सी हमारी फ्लुएंसी रहती है क्योंकि हम बचपन से ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करते आए हैं। तो जैसे मुझे पता है ई 5, उससे पहले का डी 4 और ई के बाद एफ 6, इस तरह से मुझे याद होता चला जाएगा। ऐसे जे, जे 10 है तो उससे पहले का, क्योंकि मुझे फ्लुएंसी मेरी बचपन से याद करने की ऐसी रही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो मुझे पता है कि अगर जे 10 है तो आई क्या होगा 9 और के क्या होगा 11। तो एक ये तरीका है आप याद रखने का कि इजोति याद रखिए 5, 10, 15, 20, 25, बाकी आप उसको अल्टरनेटिवली उसके आगे या पीछे याद कर सकते हैं। एबीसी हम सबको पता होता है 1, 2, 3 होता है, लास्ट में हमें सबको पता होता है कि जेड आते तो वो 26 होगा क्योंकि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। वाई हमें पता है 25, यहां से भी पता लग रहा है, ठीक है। एक्स इससे पहले होगा 24, तो इस तरह से रिलेट करके आप उनको याद कर सकते हैं। इनका यूज कैसे होगा अभी उनके एग्जाम्पल देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो एनालॉगी में थ्योरी आपकी ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही था। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश करता हूं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल मैं इस तरह से ले लेता हूं, इस तरह से आपको दिया होगा ये, और आपको ऑप्शंस दी होगी कि यहां पे क्या होगा। ऑप्शंस दी होगी ए बी सी डी, आपकी ऑप्शंस हैं 37, 47, 57 एंड 64। देखिए एनालॉगी में ये स्पेस एक से ज्यादा तरीके से भी भर सकती है। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकते हैं, ये भी तो फिट बेटर है, बिल्कुल हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना वो है जो ऑप्शंस में होगा। एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज या एक से ज्यादा सीक्वेंसेस बन सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना वो है जो ऑप्शन में होगा, क्योंकि ऑप्शन इन्हीं में से कोई दी होगी तो इनमें से कोई आंसर आपको देना होगा। देखिए, अब मैं आपको बोल रहा था कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप स्क्वायर्स और क्यूब्स याद रखेंगे ना तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि या क्या ये किसी का स्क्वायर है या क्यूब है, और वो देखते ही पता लगते ही आपका उससे हेल्प क्या होगी, तो कि पता लग जाएगा कि हाँ आगे उसको कैसे कर सकते हैं। देखिए 8 मुझे देखते ही पता लग रहा है कि क्यूब होता है किसी का, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है। ऐसे 27 मुझे देखते ही पता है कि क्या होता है 3 का क्यूब होता है। अगर ये क्यूब है ये क्यूब है तो कहीं ना कहीं
यहां भी कुछ ना कुछ क्यूब होगा. वन क्या होता है? वन का क्यूब होता है. वन क्या होता है? वन का क्यूब होता है. अब देखिए रिलेशन, पहले तो ये समझिए ये क्या लिखा हुआ है बीच में. ये रेशियो होती है और ये प्रोपोर्शन होती है. अगर मैं बोलता हूं ए इज इन रेशियो विद बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी रेशियो डी, इसका मतलब ये होता है कि जो रिलेशन ए और बी में होगा वही रिलेशन सी और डी में होगा. क्योंकि इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं उसका मतलब होता है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी. जो रिलेशन ए या बी में वही रिलेशन सी और डी में होगा. क्लियर? तो देखिए यहां से अगर हम यहां पर रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो ये वन क्यूब, ये टू क्यूब, ये थ्री क्यूब देखते पता लग रहा है. तो अगला क्या होगा? फोर क्यूब, क्योंकि इसमें एक का गैप और क्यूब ले रहे हैं. तो यहां पे क्या आना चाहिए? फोर क्यूब. अब आंसर मैं तो दे पाऊंगा ना जब मुझे दिखेंगे क्यूब्स. तो इसलिए मैं कह रहा था क्यूब्स और स्क्वायर की रेलेवेंसी बहुत बढ़ जाती है. तो फोर क्यूब, फोर क्यूब कितना होगा? 64. क्लियर? आंसर आ गया. नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं. 24 is to 126, 48 is to क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके पास 433, 192, 240 एंड 344. फिर से अगर आप देखेंगे, देखिए अब मैं आपको बता दूं अप्रोच क्या होती है क्वेश्चंस की. जब मुझे ऐसे नंबर दिखाई देते हैं तो मैं सबसे पहले इनमें रिलेशन बनाने के लिए क्या देख, मुझे देखते ही पता लगता है क्या यार कुछ ऐड करके देखते हैं. अगर मैं ऐड करता हूं 24 में कितना ऐड करूंगा कि 126 आ जाए? 102, 102 ऐड करूंगा. तो यहां पर 48 प्लस 102 कोई भी मेरी ऑप्शन मैच नहीं होगी, मतलब वो तो नहीं है. दूसरा मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा क्या ये कुछ मल्टीप्लीकेशन का इसमें है. कोई मल्टीप्लीकेशन इसमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं होता, तो मतलब मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है. ये मेरी अप्रोच होती है क्वेश्चन को करने की. पहले एडिशन देखा या सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ देखा, नहीं दिख रहा. ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन के लिए ऐसा करना पड़ेगा. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आइडिया लगने लगेगा कि हाँ इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. जैसे मुझे ये देख के आइडिया लग रहा है कि इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. अब फिर से ये रिलेटेड आपका स्क्वायर्स और क्यूब से बता देता हूं. आप कह रहे होंगे कि यार ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है. हाँ, लेकिन अगर स्क्वायर्स मुझे अच्छे से याद होंगे तो उसके आसपास भी मुझे दिखना शुरू हो जाता है. देखिए 24 मुझे दिखाई दे रहा है कि 25 से एक कम है और 126 125 से एक ज्यादा है. क्यों 125 और 125? क्योंकि 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर होता है और 125 क्या होता है? 5 क्यूब होता है. इसलिए मैं कह रहा हूं स्क्वायर्स और क्यूब्स दिखने बहुत जरूरी होते हैं. देखिए अब 24 इसको क्या बोल सकता हूं कि ये 5 स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब 5 के स्क्वायर से एक कम. ये क्या है? 5 के क्यूब से एक ज्यादा है. अब यहां भी रिलेशन दिख रहा है. अब साफ साफ क्या से दिख रहा है? 49 मुझे दिखता है. 49 मेरा क्या होता है? 7 स्क्वायर. तो ये क्या है? 7 स्क्वायर से एक कम है, मतलब 7 स्क्वायर माइनस 1. तो अगला क्या होगा? इसी रिलेशन को अगर फॉलो करना है तो 7 क्यूब प्लस 1 होना चाहिए. समझ आया? तो इसलिए स्क्वायर्स और क्यूब्स दिखने बहुत जरूरी रहते हैं. 7 क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 1 कितना? 344. ऑप्शन में है, बिल्कुल है, आंसर आ गया. तो इसलिए एनालॉजी के लिए आपका स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होना बहुत जरूरी है. चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल जोड़ लेते हैं. अब क्या एग्जांपल्स हैं? 987 इन रेशियो विद IHG इन प्रोपोर्शन विद 654 क्वेश्चन मार्क. ऑप्शंस हैं आपकी FDE, FED, थर्ड ऑप्शन इज EFD एंड फोर्थ ऑप्शन इज DEF. देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल का मिक्सचर है. तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपके अल्फाबेट से उनको न्यूमेरिकल से लिंक करना पड़ेगा. जो मैंने आपको बताया था कि नंबर्स याद होने चाहिए वहां से. अगर आपको नंबर्स याद होंगे ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आपको दिख गया होगा. जी की वैल्यू क्या होती है? 7 होती है. अगर जी देखेंगे 7th पोजिशन पे आता है. एच की वैल्यू क्या होती है? 8 होती है. और आई की वैल्यू 9 होती है. मतलब सिंपल सिंपल वैल्यूज लिखी है. तो 6 किसकी वैल्यू होती है? 6 किसकी वैल्यू होती है? देखिए ई ज्योति अगर याद होगा आपको, ई 5 होता है, ई से अगला एफ. 5 किसकी होती है? ई. और 4 किसकी होती है? डी. सीधा सीधा आंसर आ गया एफ ई डी. तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि आपका
अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल का मिक्सर भी आ सकता है, तो आपको उसको रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 01 36 2, ये लीजिए, ऑप्शंस आर 69 49 81 70। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप से सोल्व करने की कोशिश जरूर करें, ताकि आगे जब मैं सॉल्यूशन आपको बताऊं तो आपको पता हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसमें आपको खुद से जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे तो आपको क्लियर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी, तो अपने आप एक बार जरूर इसको सोल्व करके देखिए। ठीक है, देखिए अब दिखा कोई स्क्वेयर मल्टीप्लीकेशन या फिर कुछ एडिशन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 1 + 35 = 36, 2 + 35 कितना 37, कहीं नहीं है ऐसा कुछ, और वो बनता भी नहीं है कुछ अच्छा। 36 मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 6 स्क्वायर होता है यार, क्या कुछ ना कुछ रिलेट कर सकता हूं, मतलब स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे, तो यहां भी कोई ना कोई स्क्वायर हो सकता है। क्या ऑप्शंस में कोई स्क्वायर है? सिर्फ एक ही स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 49, तो मतलब 49 आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए यहां पे अगर 49 होगा ये क्या होगा, 7 स्क्वायर होगा, क्योंकि 49 क्या होता है, 7 स्क्वायर। क्या कोई रिलेशन बन रहा है? आपको चेक करना है, कोई रिलेशन बनना नहीं, ऐसे नहीं कि आपने परफेक्ट स्क्वायर देखा और आंसर लगा दिया, नहीं, सबसे पहले आप रिलेशन देखेंगे कोई बन रहा है या नहीं बन रहा है। 1 और 6 में कोई रिलेशन है? 1 + 5 = 6, 2 + 5 = 7, मतलब जो पहले नंबर लिखा है उसका 5 ऐड करके उसका स्क्वायर लिया गया है, 1 में 5 ऐड करके स्क्वायर लिया गया, 2 में 5 ऐड करके स्क्वायर लिया गया, तो आंसर क्या होगा, 49। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्क्वायर्स और क्यूब्स की इंपॉर्टेंस मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, 136 469 247 एंड क्वेश्चन मार्क, ऑप्शंस हैं 137, सेकेंड ऑप्शन इज 358, थर्ड ऑप्शन इज 368, फोर्थ ऑप्शन इज 146। देखिए आप एक बार ट्राई करके अपने आप वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब जब इतना बड़ा नंबर मुझे दिखाई देता है ना, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं या तो मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं बनेगा, इंटू फोर करूंगा तो नहीं बन रहा है, फोर ही करना पड़ेगा ना अगर करना है तो, नहीं कोई रिलेशन बन रहा है। लेकिन एक रिलेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो अगर एक एक डिजिट में रिलेशन देखूं, 1 + 3 = 4, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, मतलब हर डिजिट में 3 ऐड करके लिखा गया। अब यहां भी मतलब 3 होना चाहिए, अगर प्लस 3 करेंगे तो यहां कितना आएगा, 5। आगे करने से पहले पहले ही देख लो यहां पे 5 से स्टार्ट होने वाली तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मतलब ये तो सीक्वेंस ठीक है लेकिन यहां कुछ और बनना है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि यहां पे प्लस 3 है तो यहां भी प्लस 3 होगा, सबसे पहली ऑप्शन वही बनती है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करूं मैं, मुझे आंसर तो निकालना है ना किसी तरीके से, क्या करूं, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अगर मैं प्लस 2 करता हूं, प्लस 2 4 है क्या कहीं, 4 भी नहीं है। अगर मैं यहां प्लस 1 करूं तो कितना आएगा, 3। हां 3 वाली ऑप्शन है, क्या देखे आगे करके कुछ बनता है क्या, 4 + 1 = 5, 7 + 1 = 8, क्या 358 है, हां है। इस तरह से भी आपके सीक्वेंस आ सकते हैं। फिर से कहूंगा प्रैक्टिस, जितने टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती चली जाएगी एनालॉजी में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो वो है डीई 10 इन प्रोपोर्शन विद HI क्वेश्चन मार्क, ऑप्शंस आर 17 20 36 46। क्लियर, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली बात तो मुझे ये पता लग गई कि अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल है तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो ढूंढना पड़ेगा। चलो एक बार ना, जब भी आपको ऐसे अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दिखता है ना, अल्फाबेटिकल के ऊपर आदत बना लो कि उनका नंबर लिखने की, कि कौन सी पोजिशन पे होते हैं वो, उनका पोजिशन नंबर क्या है, डी कौन सा होता है 4 और ये क्या होता है 5, एच क्या होता है 9 और ये क्या होता है 8, ये 9, जे 10 होता है तो ये 8 और 9। ठीक है, अब रिलेशन ढूंढते हैं जरा। 4 + 5
10 नहीं होता, 4 × 5 = 20, यहां भी 10 है, क्या रिलेशन बन सकता है? अब जब ना तो एडिशन में बना ना मल्टीप्लीकेशन में बन रहा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का तो मतलब ही नहीं बनता, तो मतलब कोई ना कोई अजीब रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, 4 × 5 = 20 देखते ही पता लगा था, जीरो तो मिली ना, तो 4 × 5 / 2 तो हो सकता है, 5 × 4 = 20 / 2 कितना 10। इसी तरह से अगर मैं यहां पे 8 × 9 / 2 करता हूं, 9 × 8 = 72 / 2 कितना आएगा 36। क्या ऑप्शन में है? हाँ है, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या किया मैंने, सबसे पहले जो भी अल्फाबेट्स थे उनका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने के बाद जो यहां पे न्यूमेरिकल है उससे कोई ना कोई रिलेशन तो बनाना पड़ेगा ना, ना तो एडिशन से रिलेशन बना, ना मल्टीप्लीकेशन से बना, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का तो मतलब ही नहीं बनता है यहां पे, 4 - 5 या कुछ 5 - 4 उससे भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन जब की थी ना, 5 × 4 = 20, 20 और 10 में रिलेशन बहुत दिखाई देता है यार कि हाँ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद डिवाइड बाई 2 भी तो हो सकता है। मैंने करके देखा यहाँ पे 9 × 8 = 72 / 2 = 36 के ऑप्शन में है, हाँ है, मतलब मेरा रिलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए जेड सी एक्स इन रेशियो विद बी वाई डी डब्ल्यू इन प्रोपोर्शन विद एच क्यू जे ओ क्वेश्चन मार्क, एच क्यू जे ओ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शंस हैं जी आर एफ पी, जी आर एफ पी, सेकेंड इज आई पी के एम, थर्ड इज आई पी के एन, फोर्थ इज जी आर जे पी। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, देखते हैं। चलिए अब देखिए, इन दोनों में रिलेशन बनाने, साफ साफ दिखाई दे रहा है रिलेशन, जब दोनों तरफ ही अल्फाबेट्स हैं तो मतलब अल्फाबेट्स में ही कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये 1 होता है, ये 2, मतलब यहां से यहां प्लस 1 है, ये देखिए क्या है -1, z -1 y, c +1 d, x -1 w, मतलब क्या हो रहा है +1 - 1 + 1 - 1। जरूरी नहीं है हर बार प्लस 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 का सीक्वेंस हो, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, आपको प्रैक्टिस के साथ वो पता लगते चले जाएंगे। तो यहां पे सीक्वेंस मेरा बन रहा है +1 - 1 + 1 - 1। तो यहां भी अगर सबसे पहले मैं ट्राई क्या करूंगा, प्लस वन, एच के बाद क्या आता है आई, तो यहां क्या होगा -1, मतलब क्यू से पहले, क्यू से पहले आपका क्या आएगा पी, क्यू से पहले क्या आता है पी, फिर जे में क्या होगा +1, जे के बाद क्या आता है के, ओ के बाद -1। देखिए इतना ढूंढ के आंसर मार्क मत करना, क्योंकि गलती मत कर देना, दो ऑप्शन है ऐसी आईपीके, सिर्फ फर्क है लास्ट में एम और एन, तो लास्ट वाला भी चेक करना है अच्छे से, क्या होगा एम या एन, ओ से एक कम एन, तो आंसर विल बी आईपीके एन। क्लियर? ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, कई बार इस तरह से भी सिंपल सा आ जाता है, मैं आपको बता देता हूं, तो अगर आपको ये फॉर्म भी पता हो कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बी सी डी अपॉन आई इन प्रोपोर्शन विद सी डी ई अपॉन एल इन प्रोपोर्शन विद क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हो गया आपकी इस तरह से डी ई एफ अपॉन ओ, डी ई एफ अपॉन एन, ई डी एफ अपॉन ओ एंड डी ई एफ अपॉन एम, ये आपके ऑप्शंस हैं, ट्राई कीजिए। देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ए बी सी और बी सी डी में तो रिलेशन दिखाई दे रहा है कि +1 + 1 + 1 है, ये भी प्लस वन, ये भी प्लस वन और ये भी प्लस वन। अब तो यहां तो सिंपल है कि +1 + 1 + 1 सबसे पहले लेंगे तो डी ई एफ आ जाएगा यहां पे। अब डी ई एफ वाली तीन ऑप्शन है मेरे पास, ये भी और ये भी, तो डिनोमिनेटर तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा, ओ होगा एन होगा या एम होगा। डी एफ तीन जगह है सेम, ऊपर फर्क पड़ेगा ओ होगा एन होगा या एम होगा, तो मतलब ये वाला रिलेशन मुझे चेक करना पड़ेगा। एफ और आई में देखो जरा डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, अगर एफ की बात करें 6 होता है
और ये कितना होता है 9, ये होते तो मतलब 6 और 9 में कितना प्लस 3 है, प्लस 3, तो अगर प्लस 3 करेंगे क्या आ जाएगा ओ, अगर आप करके देखें, देखिए एल में प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा ओ, एल एम एन ओ, क्लियर, ठीक है, ये 12 होता है ना, तो ये कितना आएगा 15, ओ तो आंसर विल बी डी ई एफ अपॉन ओ, क्लियर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं आपको थोड़ा सा ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं अपना, नेक्स्ट एग्जांपल इज चलिए ये लेते हैं, 15 रेशियो विद 65 इन प्रोपोर्शन विद 101 इन रेशियो विद क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हैं आपकी 4, 12, 117, 122, 145 और एक ऑप्शन और है 120, 5 ऑप्शन भी आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन में। चलिए आपको देखना है, देखिए आप सोल्व करके, अब मैं बताता हूं। मुझे फिर से दिखाई दे गया, क्या दिखाई दे गया, एडिशन में तो बात नहीं बन रही, अगर एडिशन करूंगा प्लस 15 आ रहा है, तो प्लस 15 करूंगा तो 116 तो ऑप्शन में नहीं है, 117 है 116 नहीं है, प्लस 15 अगर देखे तो 15 का फर्क है, तो प्लस 15 कर दो 116 नहीं है। मुझे क्यों साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर याद है, ये क्या है 49 से एक ज्यादा, ये क्या है 64 से एक ज्यादा, और 49 भी स्क्वायर है 64 भी स्क्वायर है, ये क्या है 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1 50, ये क्या है 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 1 65, ये क्या है 10 स्क्वायर प्लस 1, दिखना चाहिए था 100 प्लस 1, 10 स्क्वायर प्लस 1, 7 से अगला 8, 10 से अगला 11, तो 11 स्क्वायर प्लस 1, 11 स्क्वायर 121 प्लस 1, 122 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या होगा 122, क्लियर। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं क्वेश्चन के, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा होगा, स्क्वायर्स और क्यूब्स जरूर याद होने चाहिए, और जो आपके अल्फाबेट्स और नंबर्स होते हैं उनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट के न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होंगी आपकी, और उसका रिवर्स भी याद होना चाहिए, कई बार आपका रिवर्स भी यूज हो सकता है। तो ठीक है, आप स्क्वायर्स क्यूब्स और ये याद रखेंगे, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे एनालॉजी उतना अच्छा होता चलेगा। ओके, जो प्रैक्टिस करिए एनालॉजी की, अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।